जय जिनेंद्र, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। यह रेसिपी बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी है और साथ ही इतनी इजी है कि इसे घर में कोई भी बना सकता है। सबसे पहले हम यहाँ अपनी पसंद के कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको रफली चॉप कर लेंगे। यहाँ मैंने बादाम, काजू और अखरोट लिए हैं। आप भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पिस्ता या और भी कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो नेचुरली ऑयल का रिच सोर्स होते हैं। अब हम यहाँ पर लेंगे पिन खजूर, जिन्हें मैंने धोकर कपड़े पे पहले थोड़ा सूखा कर और उसके बीच से सारी गुठलियाँ अलग कर ली है और ये थोड़ी ड्राई हो गई है। अब इनको हम मिक्सर के अंदर थोड़ा सा बारीक करेंगे। ये थोड़ी स्टिकी होती है, इसलिए एकदम डायरेक्ट हम मिक्सर से नहीं कर सकते, इसको रुक रुक कर चला कर थोड़ा इस तरह का हम इन्हें बारीक कर लेंगे। अब एक बड़ी कढ़ाई लेकर उसमें आधा चम्मच घी रखा है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो घी स्किप करें और डायरेक्ट मखानों को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करें। अब उसके अंदर मैं ऐड करूंगी आधी कटोरी के लगभग तरबूज के बीज। अब इसके अंदर हम इसको भी धीरे धीरे चलाते हुए ड्राई रोस्ट करते रहेंगे और साथ ही इसके अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ आधी कटोरी दाखें, ये ऑप्शनल है। मैं यहाँ पिन खजूर ले रही हूँ, उससे अच्छा मीठा हो जाता है, लेकिन फिर भी दाख अपने इच्छा के अनुसार थोड़ी टेस्ट के लिए अपन डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 चम्मच खसखस। मीडियम से लो फ्लेम पे हमें इन्हें चलाते हुए इन्हें हल्का हल्का रोस्ट करना है ताकि इनकी जो मॉइस्चर है वो हट जाए और इनमें क्रंचीनेस आ जाए। अब लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ आधी कटोरी ही नारियल का बूरा, सूखा किसा हुआ नारियल। इन सबको अच्छे से मिक्स करके और हम हल्का हल्का गोल्डन कलर आए इस तरह से इन्हें रोस्ट कर देंगे। इन सबको अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज़ करेंगे और बचा हुआ जो हम इसका मिक्सचर है उसको रखकर हम किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी में या फिर और भी किसी भी मिठाई के अंदर उसको फ्लेवर देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जब तक वो हमारा ठंडा हो रहा है, हम इसके अंदर हमारे ड्राई फ्रूट्स उसी कढ़ाई में ऐड कर उनको भी थोड़ा सा 2 से 3 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इस तरह से जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी थोड़े और क्रंची और टेस्टी हो जाएंगे। अब हमने जो पिन खजूर लिए थे उसको हम उसी कढ़ाई में ऐड करेंगे और इनको भी मीडियम फ्लेम पर ही हम लगातार बीच बीच में चलाते हुए थोड़ी देर सेक लेंगे। इससे ये क्या होंगे, थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और इनके अंदर थोड़ा बाइंडिंग के लिए अच्छा टेक्सचर आ जाएगा और इनका कच्चापन भी निकल जाएगा। तो बस इस तरह से हम नीचे से चिपके नहीं और धीरे धीरे चलाते हुए, यहाँ मैंने कढ़ाई नॉन स्टिक ली है, आप अगर दूसरा बर्तन ले रहे हैं तो उसे हल्के से घी से आप ग्रीस कर लें। ब्लड हीमोग्लोबिन के लिए खजूर एक अच्छा सोर्स है। अब हमारे ड्राई फ्रूट सारे ठंडे हो गए हैं, मैं इन्हें मिक्सी में हल्का दरदरा इस तरह से कर रही हूँ। आप चाहें तो और भी जो ड्राई फ्रूट्स थे उन्हें भी साथ में दरदरा कर लें। अब यहाँ इस पिन खजूर के पेस्ट में ये हमारा जितना हमको लगे कि इस मिक्सचर में हम हमारे ड्राई फ्रूट कंज्यूम होंगे उतने हम इसमें मिक्स करेंगे और एक्स्ट्रा अगर हमें लगते हैं तो हम उन्हें एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर रख लेंगे। इस रेसिपी के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं सबके अपने अपने बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं और साथ ही यह पिन खजूर की जो बर्फ़ी है इसमें हम हमारे मनपसंद ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, इसलिए बहुत ही इजी और क्विक बनने वाली रेसिपी है। आप सब इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा शुगर या जैगरी गुड़ का मैंने यूज़ नहीं किया है और एक और इसमें प्लस पॉइंट है कि इसकी हम हमारे मनपसंद शेप्स में बना सकते हैं। हम चाहें तो इसकी बर्फ़ी जमा लें, लड्डू बना लें, बार के शेप में रखें
या फिर कुकी कटर से मनचाहे शेप में काटें, नहीं तो फिर हम इस तरह से इसको लूज भी पाउडर फॉर्म में रखकर डेली कंज्यूम कर सकते हैं। मैं यहाँ कुछ लड्डू और बार के फॉर्म में इसको जमा रही हूँ। बस ये हल्का गुनगुना होगा तब हम इसको शेप देंगे और थोड़ा सा ठंडा होगा, मतलब 5 से 10 मिनट बाद हम चाहें तो इसे इसके जो भी हम शेप पसंद करते हैं उसमें कट कर लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी, प्रोटीन से भरपूर, हेल्दी हमारी आज की रेसिपी तैयार है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू। जय जिनेंद्र।